हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसके माध्यम से हम आपको शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप अपने IPPB के डिजिटल सेविंग अकाउंट को अपग्रेड करेंगे अपने बेसिक सेविंग अकाउंट में केवल अकाउंट अपग्रेडेशन के माध्यम से, जो कि आपके microatm ऐप में उपलब्ध है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जब आप अपने IPPB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के माध्यम से अपना डिजिटल अकाउंट ओपन करेंगे, जिसमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा और आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि OTP के माध्यम से आपका अकाउंट ओपन होगा, वो जो भी अकाउंट होगा वो डिजिटल सेविंग अकाउंट होगा। केवल आप उस अकाउंट के बैलेंस को रिचार्ज के माध्यम से यूज कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं उस अकाउंट के बैलेंस को अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र करना, तो उसके लिए आपको अपने डिजिटल सेविंग अकाउंट को अपग्रेड कराना होगा बेसिक सेविंग अकाउंट में। देखिए, पहले हम अपने नियर बाई पोस्टमैन को विजिट करेंगे, जो कि आपके नज़दीक में जो पोस्टमैन होंगे वो microatm एप्लीकेशन के माध्यम से आपके अकाउंट को अपग्रेड करा देंगे। देखिए कैसे होता है। पहले हम अपना microatm एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। देखिए, यहाँ पर मांग रहा है यूज़र आईडी और पासवर्ड। हम यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर पुटअप करेंगे। नेक्स्ट हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए, ओपन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, तो डाउन साइड आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन के आगे जो बाक्स है उस पर हम टिक कर देंगे। देखिए, आपके microatm एप्लीकेशन का होम स्क्रीन ओपन हो गया। नेक्स्ट हम डाउन साइड आएंगे, यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रहा है, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और वो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे जिस मोबाइल नंबर से आपका डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन है। नेक्स्ट हम सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए, तीन ऑप्शन है, तो हम वन टाइम पासवर्ड कर देंगे और आई कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट, जो आप मोबाइल नंबर पुटअप किए हैं उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर हम टाइप करेंगे, 917596। नेक्स्ट हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर स्किप कर देंगे। देखिए, डाउन साइड आएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है अकाउंट अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर दे रहा है नो डिजिटल अकाउंट अवेलेबल। जो मैंने मोबाइल नंबर टाइप किया है उस मोबाइल नंबर से कोई डिजिटल अकाउंट नहीं है, वो ऑलरेडी बेसिक सेविंग अकाउंट है। लेकिन अगर कोई डिजिटल अकाउंट रहता है तो ईजिली आप यहीं से अकाउंट अपग्रेड करके अपने अकाउंट को यूज कर सकते हैं और बेसिक सेविंग अकाउंट का जो भी फैसिलिटी है उसका लाभ उठा सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।